हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फेडरल गवर्नमेंट। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग, फीचर्स, देन मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर एंड प्रोविंसेस आपस में मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, जिसमें वो दोनों सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं। इट मीन्स क्या हो गया, जब हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, इसमें लोकल गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट्स हैं, इनके पास ऑटोनमी होती है, इनके पास पावर्स होती हैं, जिस वजह से ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन करती हैं। एंड दूसरी तरफ सेंटर है जो क्या करता है, सेंटर से रिलेटेड बातें, जो सेंट्रल इम्पोर्टेंस की बातें हैं, सेंट्रल के सब्जेक्ट उसके पास होते हैं, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, मिलिट्री होगी, डिफेंस हो गया, साइंस होगी, इसकी डेवलपमेंट करनी है, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट सेंट्रल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जो सेंट्रल लेवल पर होते हैं। तो पावर्स क्या होगी, सेंट्रल एंड स्टेट्स में डिफाइंड होगी। जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स क्या है, इनके पास अपनी ऑटोनॉमी है, सेंटर के पास अपनी ऑटोनॉमी है, ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा है। इस तरह से क्या होता है, फेडरल सिस्टम वर्क करता है। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर अ सक्सेसफुल फेडरेशन। जो एक फेडरेशन है, इसकी क्या कंडीशन है, जिस वजह से फेडरेशन बहुत अच्छे से वर्क कर सके, सक्सेसफुली वर्क कर सके। क्योंकि फेडरेशन में स्टेट के पास भी, सेंटर के पास भी, दोनों के पास पावर है, तो डिस्प्यूट भी ज्यादा होते हैं। तो ऐसे क्या उनसे बातें हैं, क्या है कंडीशंस है जिस वजह से फेडरेशन सक्सेसफुल रह सकता है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अशासन रिक्विजिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सक्सेसफुल फेडरेशन। तो ये क्या है, फर्स्ट वन इज डिजायर फॉर यूनियन। सबसे पहले जो स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, एक चीज डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में एक डिजायर होनी चाहिए कि हम सब मिलकर रहना चाहते हैं। सबसे पहले क्या होती है, यूनिटी की फीलिंग आनी चाहिए। जैसे हम फैमिली की बात करते हैं, फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली भी है और ज्वाइंट फैमिली में, अगर ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहते हैं, सबसे पहले जो फैमिली के मेंबर्स हैं, फैमिली के मेंबर्स में ये डिजायर होनी चाहिए कि हम सब एक परिवार में रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली फॉर्म करना चाहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में ही हमारा सबसे ज्यादा बेनिफिट है। तो सबसे पहले अगर हमें ये फीलिंग होगी कि हमें यूनाइट रहना है, तभी जाकर फेडरेशन क्रिएट होगा, तभी जी सक्सेसफुल चलेगा। दैट्स व्हाई वी सेड डिजायर फॉर द यूनियन। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए स्टेट्स की कि हमें एक फेडरेशन के अंडर ही काम करना है। इसको हम जैसे कहते हैं, ये काम मेरा पैशन बन चुका है। लाइक दिस, स्टेट के लिए यूनाइट होना उनका पैशन बन जाए। हम पैशन के अकॉर्डिंग, स्टेट की कीन डिजायर है कि वो यूनाइट होकर ही रहना चाहती हैं। सो इट इज द पैशन ऑफ द स्टेट फॉर यूनाइट। एंड इन जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का पर्पस क्या है, सेम पर्पस है, कॉमन पर्पस है, जिस वजह से वो फेडरेशन को क्रिएट कर पाती है। कॉमन पर्पस कैसे, जैसे अगर हम अंडर डेवलप हैं, तो हमारा पर्पस है हम अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सके, इनमें एजुकेशन इंक्रीज कर सके, हेल्थ फैसिलिटीज दे सके, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सके, एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप कर सके। इसलिए ये क्या बन गया, हमारा कॉमन पर्पस बन गया। तो फेडरेशन के लिए जरूरत है कि सबसे पहले यूनियन की कीन डिजायर हो। नंबर टू, थ्रेट फ्रॉम बिग स्टेट्स। जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, इनसे अगर कोई थ्रेट होगा, डर होगा, इस वजह से थ्रेट को कवर करने के लिए हो सकता है हमने फेडरेशन बनाई हो। जैसे हम छोटे छोटे स्टेट्स हैं, अगर हम अकेली रहेंगी, हम एक्सटर्नल इन्वेजन से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी। बड़ी स्टेट्स स्ट्रोंग होती हैं, पावरफुल होती हैं, उससे अगर हम मिलकर सामना कर ली तो कितना मुश्किल है, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, उसी तरह जो छोटे छोटे नेशंस हैं, वो आपस में दोस्त बन गए फेडरेशन के अंडर आ गए, जिस वजह से क्या हो गया, वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन जाएंगे। क्योंकि जो छोटी स्टेट्स हैं, इनमें इनसिक्योरिटी की
फीलिंग होती है। इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए एजे चाहती हैं जे अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो इनमें कीन डिजायर है फॉर द सर्वाइवल कि हम बड़ी स्टेट से नहीं डरते, चाहे कोई भी कितनी पावरफुल स्टेट हो जे हम पर सैंक्शंस इम्पोज नहीं कर सकती, हम इनसे मिलकर डटकर सामना करेंगे। इसीलिए जो छोटी छोटी स्टेट्स होती हैं दे कम टूगेदर एंड फॉर्म्स द फेडरेशन, ताकि इनके कॉमन एनिमी है, कॉमन डिफेंस है, जे मिलकर सामना कर सकेंगी। तो बिग स्टेट है, बिग स्टेट से जो इनको खतरा होता है वो खतरा खत्म हो जाता है, क्योंकि जो छोटी स्टेट्स हैं जे फेडरल सिस्टम में आ गए, फेडरेशन में आने की वजह से इन सब स्टेट्स का कॉमन एनिमी हो गया और कॉमन डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, जिस वजह से जे भी अब स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में हमारे सामने आती है। तो बिग स्टेट से अब स्मॉल स्टेट्स को कोई खतरा नहीं रहता। नंबर थर्ड, डिजायर फॉर लोकल इटोनमी। अगर हम फेडरेशन बना रहे हैं, फेडरेशन में हमने इंटरनेशनल लेवल की अटोनमी सेंटर को दिया है, लेकिन हम चाहते हैं लोकल अटोनमी हम खुद ही रन करें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा खुद का रन होना चाहिए, हमें डिजायर होनी चाहिए टू प्रिजर्व हमारे अपना लैंग्वेज की, हमारे कल्चर की, हमारे रीजनल इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की। अगर यूनिटरी गवर्नमेंट होगी उसके लिए तो सब कुछ सेम हो जाएगा। अगर हम लोकल अथॉरिटी बनाएंगे, लोकल अटोनमी से काम करेंगे, इसका मीनिंग क्या है कि हम एक छोटी सी स्टेट अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर ये डिजायर खत्म हो जाएगी तो हम यूनिटरी गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम फेडरेशन बनाना चाहते हैं, फेडरेशन में जरूरी है कि आप अपनी ऑटोनॉमी किसी को मत दीजिए, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके डिजायर्स हैं, आपके नीड्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। आपका भी एरिया डिफाइन है, आपके पास अपने सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आप किसी के इंटरफेरेंस को मत बियर कीजिए, तब जाकर सक्सेसफुल फेडरेशन होगा। अगर जी अपनी डिजायर ही छोड़ दी, अगर कह दे लोकल अटोनमी है तो है, नहीं है तो कोई भी बात नहीं है, अगर हमने अटोनमी छोड़ दी इसका मीनिंग क्या होगा, हम फेडरल से यूनिटरी गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए जरूरत है लोकल अटोनमी की डिजायर होनी चाहिए इन द प्रोविंसेस। नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ होमोजिनिटी। हम सब लोगों में होमोजिनिटी की फीलिंग होनी चाहिए कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजायर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, लेकिन हमारे कॉमन पर्पस हैं, हम एक ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी की फीलिंग, हम चाहे डिफरेंट डिफरेंट हैं लेकिन हम सब एक हैं, चाहे हमारी डाइवर्सिटी कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, लेकिन हम फिर भी यूनियन है। अगर हमें एकता की फीलिंग होगी, यूनिटी होगी, तब जाकर हम एक स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं। इसीलिए डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट डिजायर्स एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के बावजूद हम सब क्या होते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ होमोजिनिटी होती है, हम सब एक होते हैं। जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल होते हैं ना, फ्रेंड सर्कल में हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स से होते हैं, एंड चाहे कास्ट डिफरेंट होती है, फैमिली इनकम डिफरेंट होती है, हमारे नीड्स डिफरेंट होती हैं, ट्रेडिशंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं हम सब एक होते हैं, हमें होमोजेनिटी होती है। इसी तरह फेडरेशन में जितनी स्टेट्स हैं इनकी सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपना अपना कल्चर है, लेकिन फीलिंग क्या है, वी ऑल आर इक्वल और होमोजेनिटी की फीलिंग होगी, तब जाकर हमारा फेडरेशन सक्सेसफुल बन पाएगा। नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल यूनिटी। जो यूनिटी है ना, जियोग्राफिकली भी यूनिट होने चाहिए। इट मीन्स जेनिया कोई ईस्ट में है, कोई वेस्ट में है, इन दोनों में यूनिटी नहीं बन सकती। तो यूनिटी के लिए जरूरत क्या है कि जे एरिया वाइज भी क्लोज क्लोज होने चाहिए। अगर जियोग्राफिकली यूनिटी होगी तब जाकर ही स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बन पाएगा। तभी तो कह रहे हैं कि हमें जो इस फेडरेशन बना रहे हैं इसमें डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्पेस ऑफ लैंड वाटर जो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो सब कुछ क्लोज क्लोज होनी चाहिए। इसीलिए यूएसए का फेडरेशन बहुत सक्सेसफुल है, इसमें 50 स्टेट्स हैं, लेकिन 50 स्टेट्स की जियोग्राफिकल लोकेशन देखिए वो सब साथ साथ है, क्लोज क्लोज है, तो उनमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं है,
स्पेस में, वाटर में, लैंड में, अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो वो सक्सेसफुल नहीं रह पाएगी। तो 1971 में क्या हुआ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो एक फेडरेशन थी, 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान को ब्रिटिशर्स से हमें इंडिपेंडेंस मिली, तब दो डोमिनेंस बन गए, एक था इंडिया एक पाकिस्तान। जो बांग्लादेश था वो बांग्लादेश पाकिस्तान की फेडरेशन में आ गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश इनमें ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, इसीलिए 1971 में इन दोनों की फेडरेशन टूट गई और ये दोनों सेपरेट सेपरेट देश बन गए। लेकिन 1947 से लेकर 1971 तक ये दोनों फेडरेशन के अंडर थे, एक ही स्टेट थे। लेकिन 71 के बाद ये फेडरेशन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाई। क्यों? इसका रीजन यही था कि इनमें लैंड में, वाटर में बहुत ज्यादा डिस्टेंस था। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फेडरेशन सक्सेसफुल नहीं रह पाएगी। नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ये जरूरी है, जितने भी फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल स्टेट्स हैं, इन सब में एक ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। डेमोक्रेसी सबसे अच्छी फॉर्म होती है। अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, अगर डेमोक्रेटिक होगा तो फेडरल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से फॉर्म होगा और वो सक्सेसफुल भी रहेगा। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप होगी, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, हम अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं। इट मीन्स क्या है, जो डिक्टेटर है, डिक्टेटर दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो फेडरेशन सक्सेसफुल नहीं रहती है। फेडरेशन की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि जितने भी फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट्स हैं, इन सब में क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी प्रिवेल करनी चाहिए। अगर डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी तब जाकर ही एक सक्सेसफुल फेडरेशन बन पाएगा। नेक्स्ट इज एडोकेट इकोनॉमिक रिसोर्सेज। फेडरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास सफिशिएंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, क्योंकि फेडरेशन में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। हमने यही पढ़ा है कि फेडरल यूनिट बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत कॉस्टली होती है, इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर है। इस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो भी होने चाहिए। अगर हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे तब जाकर हमारा फेडरेशन सक्सेसफुल रहेगा। इसीलिए हमें चाहिए कि जितनी भी प्रोविंसेस हैं, इन सब में इक्वालिटी होनी चाहिए, इनमें क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज सफिशिएंट होने चाहिए। एक एरिया जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, अगर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, वो सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लग जाते हैं। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं सभी प्रोविंसेस में इक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज होने चाहिए, तब जाकर हमारा फेडरेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। जे मोर एक्सपेंसिव है, सो प्रोविंसेस में क्या होनी चाहिए, लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं होनी चाहिए। अगर रिसोर्सेज में कमी होगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे तो इससे क्या होगी, उनकी ऑटोनॉमी लूज हो जाएगी, उनको अपनी ऑटोनॉमी छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट इज इक्वालिटी अमंग फेडरेटिंग यूनिट। जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उन सब में इक्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर फेडरेशन यूनिट में इक्वालिटी नहीं होगी तो क्या होगा, तो इससे एक फेडरेशन यूनिट ऑटोनॉमी की डिमांड करने लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो फेडरेटिंग यूनिट है इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होने चाहिए। जैसे हम नेपाल की एग्जांपल दे सकते हैं, नेपाल के एरिया को, लोकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला माउंटेन एरिया, फिर हिली एरिया, फिर ट्राई रीजन। जो ट्राई रीजन है वहां पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है, लेकिन वहां पर उनकी सरकार उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं करी। जो भी रिसोर्सेस आते हैं, जो भी फंड आते हैं, वो हिली एरिया में या फिर माउंटेन एरिया के लिए यूज हो जाते हैं। सो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। इसको दूर करने के लिए सरकार को कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन वहां की सरकार वो पैसा हिली एरिया पर डाइवर्ट कर रही है। तो वहां के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि हम जहां पर ज्यादा है, हमें सारी लैंड में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, हम पे ही टैक्स कलेक्ट होते हैं, हम पर ही पैसा खर्च नहीं हो रहा, पैसा कलेक्ट हमसे हो रहा है लेकिन यूज कहीं और हो रहा है। तो हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। वो अलग स्टेट की डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास
बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, और जो दो रीजंस हैं वो रीजन में पैसा कम है। इसीलिए कह रहे हैं कि फेडरेशन में जितनी भी सरकार है, जितनी भी स्टेट्स है, इन स्टेट्स में क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, इक्वेलिटी होनी चाहिए। अगर हम इक्वल होंगे तभी जाके हमारा फेडरेशन इक्वल बन पाएगा। अगर हमें बहुत ज्यादा वाइड डिस्पैरिटीज होंगी तो फिर क्या होगा, फेडरेशन इक्वल नहीं बन पाएगा। इसीलिए कहते हैं एब्सेंस ऑफ वाइड डिस्पैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि फेडरेशन तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टनरशिप के ऊपर ही काम करता है। सभी यूनिट्स को इक्वल स्टेटस दिया गया है। अगर स्टेटस इक्वल होगा तभी फेडरेशन सक्सेसफुल रहेगी। नेक्स्ट इज गुड लीडरशिप। फेडरेशन यूनिट में जी होना चाहिए, जो हमारा लीडर है ना वो अच्छा विजन का होना चाहिए। अगर वो क्वालिटी वाइज अच्छा होगा तभी फेडरेशन सक्सेसफुल बन पाएगी। सो हम कहते हैं फोरसाइटेड एंड इंटेलिजेंट लीडरशिप होनी चाहिए। अच्छी नेता की अगुवाई में अगर पूरा देश काम करेगा तो फेडरेशन मस्ट बी सक्सेसफुल, अदरवाइज फेडरेशन टूट जाती है। सो इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे लीडर है वो लीडर ब्रॉड विजन का होना चाहिए, अवेकन द फीलिंग ऑफ वननेस, वो हमें एक वननेस की फीलिंग को क्रिएट करने वाला हो, ना कि ये ना हो कि हम सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के हैं, रीजनलिज्म को इंक्रीज करें। अगर रीजनलिज्म को क्रिएट होगा तो फेडरेशन कैसे बनेगी। इसीलिए जरूरत किसकी है कि ब्रॉड विजन की हो, हम सबको इक्वल एक बनाए रखे, तब जाकर ही फेडरेशन सक्सेसफुल होगी। एंड लास्ट वन इज एजुकेटेड एंड इनलाइटेंड पीपल। फेडरेशन तो तभी सक्सेस होगी अगर हम चाहते हैं, हमारे देश के लोग चाहते होंगे कि हमें इकट्ठे होकर रहना है, और फेडरेशन को समझना बहुत मुश्किल है। लोग एजुकेटेड होने चाहिए, इनलाइटेड होने चाहिए, डबल लॉ को, डबल पॉलिसी को, डबल गवर्नमेंट को, डबल एडमिनिस्ट्रेशन को समझने वाले होने चाहिए। अगर हम ही रट लगा लेंगे कि हमें अलग रहना है अलग रहना है, तो फेडरेशन सक्सेस कैसे होगा। फेडरेशन की सक्सेस के लिए बहुत जरूरत है कि हम सब साथ मिल करें, लोग ही चाहते हो कि हम फेडरल होना चाहते हैं। सो इसके लिए लोगों में स्पिरिट होनी चाहिए ऑफ अकोमोडेशन एंड टॉलरेशन की। जैसे फैमिली में बहुत कुछ हो जाता है, कभी कभी में टॉलरेट करना पड़ता है, ऐसे स्पिरिट हम सब लोगों में होनी चाहिए कि हम टॉलरेट कर सकें। एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फेडरल लॉज, स्टेट लॉज, इन दोनों को डिफरेंस समझना चाहिए, डबल एडमिनिस्ट्रेशन को समझ पाए, तब जाकर हमारा फेडरेशन सक्सेसफुल रहेगा। तो ये थी कंडीशंस फॉर अ सक्सेसफुल फेडरेशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।